महाराष्ट्र राज्य भी अब हो रहा है बिहार। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस मामले की गंभीरता को लेकर उठाने चाहिए ठोस कदम। लगभग यह खबर थी 12 दिसंबर 2018 को ग्रामीण रुग्णालय के नेपाल सी बघेले डॉक्टर ने पेशेंट की पत्नी के साथ की है छेड़खानी। राउत इसे ग्रामीण रुग्णालय मोरगा अर्जुनी में तबियत खराब होने की वजह से भर्ती कराया गया था। लगभग इसी रात डॉक्टर बघेले ने पेशेंट की पत्नी को 11:30 बजे बाहर बुलाकर उससे छेड़खानी की है। जब पेशेंट की बीवी वहां से भागी और अपने पति के पास आकर सो गई, तब रात 1 बजे पेशेंट के पास आकर डॉक्टर घरतकर का बयान देखते हैं, जो कि ग्रामीण रुग्णालय के मेडिकल ऑफिसर है। ठीक इसी ग्रामीण रुग्णालय की दूसरी ओर इनका निजी अस्पताल है। यह बयान भी उन्होंने इसी अस्पताल में दिया हुआ है। पहले साहब आपला परिचय मला सांगा। मी डॉक्टर गरजकर, हाँ, वैद्यकीय अधिकारी ग्रामीण रुग्णालय अर्जुनी मोरगाव इथं कार्यरत आहे। अच्छा, मला फक्त आता 3 वर्ष झाली। अच्छा, 3 वर्षापासून आपण इथं ग्रामीण रुग्णालयाला आलेले आहेत। आणि मी एकटाच आहे सध्या। अच्छा, सध्या एकटेच आहे। अच्छा अच्छा, म्हणजे आपल्यावर पेशंट जे खूप प्रेशर असतो, म्हणजे चेकअपसाठी ओपीडी वगैरेवर आपल्यावर खूप ताण असतो, डे अँड नाईट आपल्याला करावी लागते। अच्छा अच्छा, ऍक्झॅक्ट त्या दिवशी काय झालं होतं साहेब? त्या दिवशी रात्रीच्या वेळेला कोणत्या डॉक्टरांची ड्युटी होती? आता सध्या एकटाच असल्यामुळे, हा, त्या दिवशी बुधवारची रात्र पाळी होती, ती डॉक्टर नेपाल सिंग बघेले यांची लावली होती। अच्छा, ते तडजोड म्हणून, हा, ते कोणत्या विभागाला आहेत ऍक्च्युली? तळजोड मधून त्यांना जेव्हा लावली, आमच्याकडे स्कूल मिशन आहे की नाही? अच्छा, आरबीएसके म्हणून आहे। हां, आरबीएसके मध्ये, हां, त्यामध्ये वैद्यकीय अधिकारी म्हणून आहे। अच्छा, ते 11 महिन्याचे आहेत का? त्यांच्या म्हणजे अग्रीमेंट वाले आहेत का ते? हो, कंत्राटी 11 महिन्याचे ऑर्डर। अच्छा, 11 महिन्याचे ऑर्डर आहे। तर मग त्यांची तू रात्रीच्या वेळेला ड्युटी होती, तर मग काय झालं साहेब तिथं? मी त्या दिवशी ड्युटीवर नव्हतो रात्रीला। डॉक्टर अकिनवार साहेब आहेत मेडिकल सुपरिटेंडेंट, त्यांनी बुधवारच्या नाईटला डॉक्टर बघेले यांची ड्युटी लावली होती। त्या दिवशी मी नाईट नसताना, पण मी दुसऱ्या दिवशी मॉर्निंगला आल्यावर मला कळलं की स्टाफ लोकांनी सांगितलं, आणि त्या दिवशी असलेले आपले अटेंडंट होते बदमारे, त्याने सांगितलं की बाबा रात्री असा असा प्रकार झाला। अच्छा, रात्री ते मद्यपान करून होते असं कळलं। अच्छा, आणि रात्री 11 ते 11:30 ते 12:30 दरम्यान हा प्रकार, वार्डामध्ये रुग्ण झोपलेले होते। अच्छा, रुग्ण म्हणजे महिला रुग्ण होती की पुरुष रुग्ण? पुरुष वार्डच होता तो। अच्छा, पुरुष वार्ड होता, पुरुष वार्ड होता। आणि मग ती महिला रुग्ण नव्हती की काय होती, कोण होती? नाही, महिला रुग्ण नव्हती, रुग्ण मेलच होता। अच्छा, मेल होता। 4-5 पेशंट भरती पण होते। अच्छा, आणि एक पेशंट जो होता तो दारू पिलेलाच पेशंट होता। अच्छा, आणि त्या दारू पिलेला पेशंट झोपला असेल कदाचित, मला माहित नाही असं सांगितलं त्यांनी, आणि त्याची पत्नी पण झोपलेली होती। अच्छा, कळलं। त्यावेळेस त्यांनी रात्रीच्या वेळेस 11:30 11:30 माहित नाही ऍक्झॅक्ट, पण तेव्हा त्या पेशंटची चौकशी करायसाठी गेलं असेल, पेशंट कसा आहे वगैरे। अच्छा, तर त्यांनी पेशंटला जागवलं असेल, पेशंटला जागवलं असेल, झोपलं असेल, दारूच्या नशेमध्ये असेल तो, आणि तेव्हा तो उठवला, त्यांनी डॉक्टरला अभे असं काहीतरी म्हटलं, असं कळलं। अभे म्हटलं तर डॉक्टरला कदाचित राग आला असेल किंवा अनार झाला असेल, त्यांनी 2-3 थोबाडे थांबल्या असं मला कळलं। अच्छा, त्या दरम्यान ती बाई पण उठली, कदाचित ती बाई जागी झाली असेल त्याच्यामुळे, असं होऊ शकतं। बाईला काहीतरी म्हटलं असेल त्या पेशंटच्या तब्येतीबद्दल, जाणीव देत असेल तिच्या, कदाचित गालाला काहीतरी मारलं असं म्हटलं, पण असं काही प्रकार जाऊन डॉक्टरला विचारलं ते म्हणे असं काही प्रकार झाला नाही। आणि बाकीच्या रुग्णांनी म्हटलं की बा पत्नीला, त्या पेशंटच्या रुग्णाच्या पत्नीला मारलं नाही, मग फक्त रुग्णाला मारलं 2-3 थोबाडीत असं माहीत झालं। नंतर मग त्या महिलेने दुसऱ्या दिवशी सकाळी माहीत झालं की विनय भंग केला असं आमच्या मेडिकल सुपरिंटेंडेंट अकिनवार साहेब यांच्याकडे तिने तक्रार केली। अच्छा, माझ्या नवऱ्याला थोबाडी थांबला आणि मलाही थोबाडी थांबला असं बयान दिलं। अच्छा, सर आपल्या ग्रामीण रुग्णालयाला वार्डामध्ये CCTV कॅमेऱ्याची सुविधा उपलब्ध नाही आहे का? नाही। अच्छा, म्हणजे CCTV कॅमेरे असते तर आपल्याला एक्झॅक्ट काय झाले होते घटना ते आपल्याला कळली असते। बरोबर। भास्कर किरण बदमारे, कक्ष सेवक ग्रामीण रुग्णालय। अच्छा, कक्ष सेवक आहे ग्रामीण रुग्णालय को। अच्छा, इस बेड पर उस दिन बुधवार के रात को कौन कौन पेशेंट था? हाँ, बरत टोली पर रहते राउत करके। क्या हुआ था उस दिन वाकिया? यहाँ हिंदी में बता क्या हुआ था वाकिया?
नितीन सर डिलिव्हरी होती सर अच्छा हमको अटेंडेंट लोगों को साफ करना पड़ता है सर सब डिलीवरी वो पेशेंट शिफ्ट करो सब इंस्ट्रूमेंट प्लेसेंटा ब्लड वर्ड वो रहता है वो साफ करना पड़ता है सर। मैं उधर था सर और सिस्टर रिपोर्टिंग यानी कि लिखना पड़ता है ना उनको डिलीवरी होने के बाद वेट ये वो मेरे को आवाज़ आया सर सिस्टर का मैं साफ कर रहा था सर तो आवाज़ आया तो मैं इधर दौड़ते चला गया क्या हुआ करके तो मेरे को डॉक्टर नेपाल से उनको बोले और राव और उनकी पत्नी बीबी उनमें भांडन थोड़ा चालू दिखा तो उन्होंने पेशेंट को मेरे सामने एक थप्पड़ मारे पेशेंट को और राव को जेंट्स को मैंने उनको हाथ ऐसे पकड़ा दोनों और उनको बाहर निकालने को बोला और उनको लेके गया बोला और उनको बोला उनकी जो पत्नी थी उनको मैंने बोला कि ताई आप सो जाओ मैं यहाँ पे रहता आपको कुछ गड़बड़ नहीं होने दूंगा तो उन्होंने सो गए दरवाजा लगा दिया सर मैंने। उस दौरान जो नेपाल सिंह क्या नाम बोले डॉक्टर का आपने बघेले नेपाल सिंह बघेले जो डॉक्टर थे उस समय ड्यूटी पर तो वो क्या पिए हुए थे क्या क्या थे थोड़े लग रहे थे सर उनकी मूवमेंट बॉडी लैंग्वेज थोड़ी लग रही थी। तो ड्यूटी के दौरान डॉक्टर जो है वैद्य के अधिकारी वो पिए हुए थे। मैं आपका दिगंबर नारायण राउत। राउत जी आप पिछले बुधवार के लिए ग्रामीण रुग्णालय में अस्पताल में क्यों भर्ती हुए थे? मेरी तबीयत खराब थी मेरा ब्लड कम हो गया था। अच्छा को बुखार था। अच्छा इसलिए मैं दवाखाने में गया तो फिर भर्ती कर दिए उन्होंने बोले ब्लड लगेगा बोले। अच्छा तो आपको खून के लिए दवाखाने में भर्ती कर दिया गया था। क्या हुआ था उस रात को डॉक्टर जो थे बघेले उन्होंने क्या किया आपके साथ? मैं रात को सोया था 10:30-11 बजे के बीच। हाँ वो डॉक्टर आया मेरे घर वाली को कुछ तो बोला उसने। हाँ और वो डॉक्टर ने मेरे को उठाया। उठाने के बाद मैं होश में नहीं था। हाँ तो मैंने कोने में बोल दिया ऐसे ही। उसने मेरे को 2-3-4-5 मार दिया कनबट में। अच्छा बिन फालतू के बिन फालतू डॉक्टर ने आपके ऊपर हाथ उठाया। हाँ आपको उसने तमाचे मारे। हाँ अच्छा उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो मेरे घर वाले को बाहर ले गया उसको क्या छेड़छाड़ किया उसके साथ में। हाँ वो आई अंदर ही बोले ऐसा ऐसा बोल रहा है डॉक्टर ये ऐसा ऐसा हो गया करके। हाँ फिर वहाँ पे जमा हो गए लोग। हाँ फिर वो कहीं चला गए वो फिर बाद में। अच्छा अच्छा उस दौरान उसके बाद आपने क्या किया आपने क्या कदम उठाया इस घटना के बाद? मैंने फिर सवेरे ही फोन लगा दिया अर्जुनी में वो संजू पवार शिवसेना के। हाँ उनको। हाँ उन्होंने आए और दवाखाने में क्या हुआ फिर वो मेरे को मालूम नहीं मैं तो बेड पे था। अच्छा फिर वो मेरे घर वाले का बयान वयान हो गया। हाँ फिर क्या हुआ तो उसके बाद की प्रोसीजर मालूम ही नहीं मैं फिर गोंदिया भर्ती हो गया था। अच्छा आपको KTS में भर्ती कराया गया। KTS रेफर कर दिए। रेफर कर दिए तो आपको यहाँ से एम्बुलेंस में ले गए थे कि कैसे क्या किया था? मैंने वो 108 की गाड़ी मंगाया था। अच्छा आपने 108 की गाड़ी मंगाया उससे फिर आप गोंदिया चले गए। हाँ। उस दौरान फिर क्या हुआ? उस दौरान कुछ भी नहीं फिर कोई रिस्पांस ही नहीं आया वो केस का। अच्छा पुलिस वालों ने क्या उसका इसमें कार्रवाई की है क्योंकि उन्हें एक दिन हिरासत में रखा गया है ऐसी हमारे पास जानकारी आई हुई थी। मेरे को तो कुछ पता नहीं मैं गोंदिया में भर्ती था। अच्छा तो पुलिस स्टेशन में जो कंप्लेंट आपकी मैंने मिसेस के बयान के आधार पर ही दर्ज कराई गई है। हाँ अच्छा तो आपको उसकी कॉपी वगैरह मिली है कि नहीं मिली? कॉपी मिली ना भाई वही दवाखाने में ही मिली थी कॉपी पुलिस FIR की। हाँ अच्छा अच्छा अभी वो आपके पास कॉपी है क्या? हाँ है दिखाएंगे हमें आप। दूसरे दिन आपको कहाँ रेफर किया गया? मेरे को गोंदिया रेफर किया गया KTS में। KTS में। अच्छा अभी आपके हाथ में जो FIR की कॉपी है। हाँ। उस कॉपी में 354 का गुना दाखिल हुआ है आपके। हाँ। मिसेस के तरफ से। हाँ। उनका बयान भी लिया गया कि ये कहाँ बयान लिया गया था? ये दवाखाने में या अर्जुनी मोरगाव के। अर्जुनी मोरगाव के ग्रामीण रुग्णालय में और फिर बाद में आपको गोंदिया भिजवा दिया। अच्छा अभी आप मुझे ये बताइए कि भाई ये पूरा मामला दर्ज हुआ है 12 तारीख को 12-12 को दर्ज हुआ है आज 22 तारीख है तो इस बीच में आपको DYSP ऑफिस में या पुलिस स्टेशन में कोई चौकशी वगैरह के लिए कोई बयान के लिए बुलाया गया है? नहीं 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 कोई नहीं।
तो क्या लगता है आपको इस मामले में, इस मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है कि क्या हो रहा है? ऐसे ही लग रहा है, वो तो डॉक्टर मेरे को गोंदिया में दवाखाने में दिखा, केटीएस में। अच्छा, जो बघेले डॉक्टर है वो केटीएस में था? केटीएस में था, वहाँ पे रुजू हो गया बोलते। अच्छा, वहाँ रुजू हो गया है। और 354 में तो ये भी नहीं होती ना बेल, जमानत नहीं होती है, लेकिन इसमें जमानत दे दी गई है। तो ये जमानत आपको कब पता चला उनको जमानत दी गई करके? मेरे को जिस दिन मैं गोंदिया में भर्ती था, भर्ती हुआ शनिवार के दिन, हाँ, तो वहाँ पे मेरे को दवाखाने में दिखा। अच्छा, केटीएस में। फिर वहाँ से मैंने चौकशी किया तो बोले उसके बेल हो गई, बोले। अच्छा, बेल हो गई है, उसे बेल दे दी गई है। तो आपको ये पूरे मामले में ऐसा लग रहा है कि आपका ये मामला जो है इसे दबाने का प्रयास पुलिस विभाग और हॉस्पिटल के विभाग के कर्मचारी कर रहे हैं? ऐसे ही लग रहा है। अच्छा, इस पूरे मामले में भी पुलिस विभाग शक के दायरे में है, जैसा कि मामला 354 दफा ए के तहत दर्ज किया गया है। और ठीक इसी मामले में 24 घंटे के भीतर डॉक्टर बघेले को जमानत दे दी गई है। इस मामले को दर्ज करने के लिए ग्रामीण अस्पताल के अधिकारी ने भी इस डॉक्टर के खिलाफ दारू पी के आकर पेशेंट के साथ बदतमीजी करने का भी मामला दर्ज कराया है। बिहार राज्य की तरह ही महाराष्ट्र राज्य का राज चल रहा है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन नाकारा साबित हो रही है। इस पूरे मामले में क्या होगी कार्रवाई, यह गहनता का विषय है। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरें। तब तक के देखते रहिए MNS न्यूज़ लाइव।